हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरभ पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। एग्ज़ाम में से एक नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, यानी संविधान पूछा जाता है। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो संविधान के नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और ध्यान से सुनिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे, आज हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उस समय जो अनुसूचियाँ थी वो थी 8, लेकिन बाद में यानी वर्तमान में अभी तक 4 और आ गई हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या 12 हो गई है। यानी जब मूल संविधान बना था तो उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में 4 अनुसूचियाँ और बना दी गई हैं, इसी वजह से इनकी संख्या हो गई है 12। ठीक है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के घटकों, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। यानी प्रथम अनुसूची मतलब सबसे पहले देश आता है, इसी वजह से भारत देश के राज्य और केंद्र शासित राज्यों का प्रथम अनुसूची में वर्णन है। यानी प्रथम अनुसूची में भारत देश के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का वर्णन है। ठीक है, दूसरी अनुसूची है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। यानी पहले तो देश आ गया, ठीक है, फिर देश को चलाने के लिए पदाधिकारी आते हैं और पदाधिकारियों को वेतन भत्ते और पेंशन चाहिए, तो सबसे नंबर वन पर देश, फिर उसमें आने वाले पदाधिकारी जिनको मिलने वाला वेतन भत्ता और पेंशन, तो दूसरी अनुसूची में हो जाता है वेतन भत्ता और पेंशन। ठीक है, तीसरी अनुसूची होती है पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। पहले तो वेतन की बात होती है, फिर शपथ, तो पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची यानी तृतीय अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, पहले में भारत देश, दूसरे में भारत देश को चलाने वाले लोग जिनको मिलने वाला वेतन पेंशन और भत्ता, और तीसरी अनुसूची जो है वो है पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची को एक साथ याद रखिएगा। ठीक है, पहली अनुसूची वो तो भारत देश ही है उसमें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में ये काफी बार पूछे गए हैं। अगला है आपका चौथी अनुसूची। देखिए, चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। यानी चौथी अनुसूची में राज्यों और संघीय क्षेत्रों से राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, उनका विवरण इसमें दिया गया है। तभी लिखा है मैंने, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। यानी चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, और इसे उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आता है आपका पांचवी अनुसूची। पांचवी जो अनुसूची है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, पांचवी अनुसूची ऐसी है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन मिलता है। छठी अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। यानी पांचवी में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, छठवी में क्या है, इसमें केवल 4 राज्य शामिल है जिनमें रहने वाले जनजाति लोगों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। कौन कौन से राज्य हैं आपके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, और इसमें रहने वाले जनजाति
लोगों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो पांचवी और छठी अनुसूची को आप लोग याद कर लीजिएगा। पांचवी में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों है, लेकिन छठी में जो है अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, और ये केवल चार राज्यों पर लागू होता है। तो सातवीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा सातवीं अनुसूची में मिलता है, और तीन सूचियां हैं इसमें, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो इनका वर्णन इसमें मिलता है। सातवीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। और आठवीं अनुसूची है, आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आठवीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। तो आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में तो इसमें 14 भाषाएँ थी, 14 भाषाएँ थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 हो गई है। देखिए, 1967 में इसमें जुड़ी थी सिंधी भाषा, फिर 1992 में इसमें जोड़ी गई तीन भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 2003 में जोड़ी जाती हैं चार भाषाएं, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से 14 और 8 22 भाषाएं हो जाती हैं, जो कि आठवीं अनुसूची में वर्णित हैं। अब जो है, ये तो मूल संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ थीं, कितनी थीं? 8 अनुसूचियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे चार अनुसूचियों के बारे में जो कि नई जुड़ी हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। जैसे है नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी, और इसमें वर्णित है राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। पहले तो इस विषय पर जो राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां हैं, इनको जो है हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है हम अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। अगर वह गैर संवैधानिक है तो अपील कर सकते हैं। तो नौवीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख जो है नौवीं अनुसूची में मिलता है। दसवीं अनुसूची है दल बदल संबंधी प्रावधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। दसवीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान से संबंधित है। ये 1985 में जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल संबंधी प्रावधान से संबंधित है। अगली है ग्यारहवीं अनुसूची, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, यानी ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है ग्यारहवीं अनुसूची, यानी गांवों से संबंधित है ये ग्यारहवीं अनुसूची। ठीक है, और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। कहीं कहीं पर 1992 भी लिखा होता है और कहीं कहीं पर 1993 भी लिखा होता है। तो 1992 में जो ये संशोधन है वो लाया गया होगा और 93 में पारित हो गया होगा, इसी वजह से कहीं कहीं 1992 कहीं कहीं 1993 लिखा होता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती प्रणाली से संबंधित है, और इस पर पंचायती जो प्रणाली है इसको 19 कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया। 12वीं अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1992-93 में, और ये नगर या शहरी प्रशासन से संबंधित है, और इसमें जो है 18 विषयों पर कार्य करने के लिए अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारी अनुसूचियाँ समाप्त होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पूछा गया है, पहला है आपका कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन किसमें है,
इसका वर्णन द्वितीय अनुसूची में है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रथम में पहले तो भारत देश आएगा, फिर दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन आएंगे। इसी प्रकार तीसरी अनुसूची थी पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ। तो ये दो ऐसे हैं, दूसरी और तीसरी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आठवीं अनुसूची, कि आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये संबंधित है भारत की भाषाओं से, 22 भाषाओं से। तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि भारत की 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो ये है आठवीं अनुसूची में, ठीक है। और इसके बाद जो है दसवीं अनुसूची, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है, बहुत बार पूछा गया है। ग्यारहवीं अनुसूची है जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है, ये गांवों से संबंधित है। और जबकि 12वीं जो अनुसूची है आपकी, ये नगर शहरी प्रशासन से संबंधित है। तो ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेता है कि 11वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 73वें। 12वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 74वें। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।